हेलो गाइस, मैं आशीष, वेलकम है आपका गढ़वाली पांडा चैनल में। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग में आज हम पढ़ेंगे सीवर, और सीवर में स्टार्ट करेंगे हम एक्स शेप सीवर। और एक्स शेप सीवर के दो टाइप होते हैं, एक होता है ओल्ड और एक होता है न्यू। एक्स शेप सीवर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक सीवर, और सीवर में भी एक्स शेप सीवर ओल्ड टाइप। एक्स शेप सीवर कुछ दिखने में इस टाइप का होता है, इसमें इसका शेप एग की तरह होता है, इसलिए इसका नाम एक्स शेप सीवर होता है। इसके बाहर ब्रिक लगी होती है और आउटर एक और रिंग होती है जिसमें ब्रिक लगी होती है, पर इनर जो रिंग होती है वो पूरे एक्स शेप में होती है, और जो दूसरी रिंग होती है पूरी एक्स शेप में नहीं होती, उसके नीचे का पोर्शन आपका कंक्रीटिंग का होता है। हमें यही सीवर अभी बनानी है। इसमें नीचे आपको दिख रहा होगा ब्लॉक होता है, इसको हम बोलते हैं इनवर्ट ब्लॉक। जनरली ये बहुत पहले यूज़ होता था ये सीवर, अब ये यूज़ नहीं होता। अब हम जनरली सर्कुलर सीवर यूज़ करते हैं, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले सीवर यूज़ होता था, तो हमें हमारे कोर्स में ये सीवर दिया है, तो हमें ये बनाना है। इस सीवर में चारों तरफ से दो रिंग होती है, एक रिंग तो इनर होती है जो एक्स शेप की होती है, दूसरी रिंग हाफ शेप की होती है, और साथ ही साथ जो इनर रिंग होती है उसका बेस कंक्रीट का दिया रहता है, ताकि जो सीवर हमारा नीचे की तरफ बहे वो कंक्रीट को ज़्यादा इरोज ना करें, यानी काटे ना, इसलिए नीचे की तरफ कंक्रीट का ब्लॉक दिया रहता है, इसको हम बोलते हैं इनवर्ट ब्लॉक। तो इसको ड्रॉ करना हम शुरू करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीवर है, तो इसको आप ढंग से समझिए। तो गाइस, एक्स शेप दिखने में हमारा कुछ इस तरीके से होता है। एक्स शेप में क्या होता है, हमारा 120 डिग्री का एंगल होता है, और जिस पे रेडियस होती है हमारी 0.5 r। इसके बाद हमारी जो एक्स शेप को बनाते हुए दूसरी रेडियस होती है वो होती है हमारी 3 r, और जो ये वाली रेडियस होती है होती हमारी r। साथ ही साथ बॉटम से इस सेंटर तक की डिस्टेंस होती है हमारी 2 r। ये सब लेते हुए ही हम एक्स शेप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, हमें ये मेजरमेंट अंदर की याद होनी चाहिए। इसको देखते ही हम यहाँ पे एक्स शेप ड्रॉ करेंगे अपना। एक्स शेप को बनाते हुए हम सबसे पहले एक गाइडलाइन लेंगे, फिर उसके बाद गाइडलाइन लेने के बाद हम कहीं पे भी नीचे से हम कहीं पे भी एक लाइन ले लेंगे। अब इसके बाद जो हमें यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन मिला है पॉइंट, इस पर हम 120 का एंगल लेंगे। बीच में हमें 120 चाहिए, इसलिए इधर से 30 और 30 पे हम मार्क मारेंगे, तो बीच का हमें 120 मिल जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और इधर से हम अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है, मैंने आपको बताया था 0.5 r होगा। आज यहाँ पे हमें कुछ एज्यूम करना है, जैसे मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ r को मैं ले रहा हूँ 3 cm, ठीक है गाइस। तो 0.5 r मेरा कितना होगा, ये होगा मेरा 1.5। तो 1.5 का मैं यहाँ पे रेडियस लूंगा, इस तरीके से 1.5 की मैंने रेडियस ली। अब इस बॉटम से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरे पास 2 r, तो 2 r मेरा हो जाएगा 6, 3 2 6। टोटल बॉटम से याद रखें, इस बॉटम से बात हो रही है, इस बॉटम से यहाँ तक हम लेंगे 6 cm, फिर हम यहाँ मार्क एक और लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। इसके बाद r हमें पता है यहाँ पे 3 है, तो r हम यहाँ पे पूरा 3 लेंगे, और यहाँ पे से हम अपना 3 cm का आर्क ड्रॉ करेंगे। अब बीच का पोर्शन हमारा एक्स शेप में आना चाहिए, तो ये कैसे आएगा, ये आएगा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 r। 3 r मेरा कितना होता है, 3 3 9। हम यहाँ पे कंपास में 9 भरेंगे। 9 भरने के बाद सबको दिख रहा है, 9 मैंने भरा है। 9 भरने के बाद हम यहाँ पे पेंसिल रखेंगे, उसके बाद कंपास यहाँ पे रखते हुए इसको मिलाएंगे, तो हम देखेंगे कि इस तरीके से हमारा ये मिल रहा है। अब ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे, और यहाँ पे कंपास रखने के बाद इसको हम राउंड करेंगे, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से ये भी हमारा मिल रहा है, ये हल्के से मिस होता है कभी कभी यहाँ से, तो इसको हम अपने हाथ से ही मिलाएंगे। फ्री हैंड थोड़ा सा यहाँ पे मिलाएंगे, जो ये थोड़ा सा मिस हो रहा है। इस तरीके से, तो इस तरीके से गाइस हम इसको मिला देंगे।
अब हमें इसका आउटर रिंग बनानी है, जिसमें मैंने आपको बताया था। तो आउटर रिंग में 10 सेंटीमीटर हमें पता है कि ब्रिक का फेस जो होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है हाइट में। तो हम जो ले रहे हैं हम 1 सेंटीमीटर बनाएंगे, क्योंकि हम जो स्केल ले रहे हैं वो ले रहे हैं 100 की, ठीक है, 1:100 की हम स्केल ले रहे हैं। यानी जो भी 100 होगा उसको डिवाइड करेंगे तो हाइट ऑफ ब्रिक होती है हमारे पास 100 mm। 100 mm कितना बनेगा, 1 सेंटीमीटर। तो हम कंपास यहाँ पे रखेंगे और 1 सेंटीमीटर को ड्रॉ कर देंगे, सेम टू सेम वैसे ही जैसे हमने जो हमने कंपास से लिया था डॉट, उस डॉट से हम आगे अपना ब्रिक का ये फंक्शन पूरा करेंगे ऐसे, और सेम एज ऐसे यहीं पे होगा, यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से होगा। नोक यहाँ पे रखेंगे हम इसका सेंटर, और यहाँ से इसको ऐसे करते हैं फिर यहाँ तक आ जाएगा ये नीचे मिलता नहीं आपस में, यहाँ पे हमारा आएगा इनवर्ट ब्लॉक, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे इनवर्ट ब्लॉक आता है। इसके बाद यहाँ पे एक सैलरी की पट्टी आएगी 1 mm की, तो हम स्केल रख के पहले 1 mm लेंगे, इसके बाद हम कंपास रखेंगे और 1 mm को ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से फिर से हम 9 सेंटीमीटर जो हमारे पास था उसके बाद यूँ हम ड्रॉ करेंगे। आपको पता होगा ये वही होल है जिससे हमने 9 सेंटीमीटर ये ड्रॉ किया था, ऐसे हम यहाँ करते हुए इस प्रकार को इससे मिलाएंगे और ऐसे हम यहाँ पे भी अपना ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद एक और मोल्ड इसमें आता है जो कि 10 सेंटीमीटर का होता है आखिरी मोल्ड, जहाँ पर ब्रिक आती है हमारी एक्स शेप में। इस तरीके से हमारा एक्स शेप होगा बनेगा। इसके बाद यहाँ पे जहाँ से हमने 120 का एंगल निकाला था इसके मुँह में, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आउटर लाइन तक लाएंगे अपना, यहाँ तक इन्वर्ट ब्लॉक बनाने के लिए, और ऐसे यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद इन्वर्ट ब्लॉक आप 1 सेंटीमीटर हाइट का रखना, यानी 100 mm, 1 सेंटीमीटर ही आएगा, 1 सेंटीमीटर ही आएगा। इसके बाद हम इसको मिला देंगे। तो गाइस इस तरीके से हमने मिला के यहाँ पे इन्वर्ट ब्लॉक बना दिया। इसके बाद हम यहाँ से 15 mm, या आप 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एक्स शेप जो सीवर है भी वेरी करता रहता है, क्योंकि PHD में कोई भी नाप पर्टिकुलर नहीं होती, वेरी करती रहती है, इसीलिए आप उसको अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। पर याद रखिए जो आप बनाएं वही आप शो करेंगे डायमेंशन में। इसके बाद हम इस लाइन को पूरा नीचे तक ला जाएंगे और ऐसे इस लाइन को भी पूरा नीचे तक ला जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा एक्स शेप पूरा का पूरा ड्रॉ हुआ, इसको हम अब कंप्लीट कर देंगे, जिसमें अंदर की तरफ से तो हमारी ब्रिक आएगी, ब्रिक के बीच में हम जॉइंट को भी शो करेंगे, और आपको अंदाजे से इस सेंटर लाइन के अबाउट स्केल को यूं 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 घुमा के पूरी ब्रिकें देनी है मॉड्यूलर फेस में। और हमें बताया ब्रिक की जो ब्रेथ होती है वो भी 100 mm होती है, बट हम यहाँ पे बार बार नापेंगे नहीं, एक अंदाज़ा ले लेंगे, और इस तरीके से हम अंदाज़ा लेते हुए अपनी ब्रिक को यहाँ पे ड्रॉ करते रहेंगे। इस तरीके से हमारा ब्रिक का मॉड्यूलर शेप कंप्लीट होगा। ठीक है गाइस, ऐसे हम इधर से भी करेंगे।
इस तरीके से। अब इसके बाद इनके जॉइंट के, इन दोनों जॉइंट के मिड में यहाँ पे आउटर जॉइंट्स आएगा ब्रिक का, इसको भी हम फटाफट बीचों बीच इसके निकाल देंगे, ये निकालना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है गाइस, और इसके बाद नीचे हमारी यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग होगी, ऐसे इसके बीच में भी हम जॉइंट निकालेंगे। इसके बाद यहाँ नीचे हमारी कॉन्क्रीटिंग होगी। इस तरीके से हमारी कंक्रीटिंग पूरी हुई और यहाँ पे हम आउटर दे देंगे इसमें। ठीक है गाइस, और यहाँ पे जहाँ पे हमारा इनवर्ट ब्लॉक है इसमें भी कॉन्क्रीटिंग आएगी, बट इसका रेशियो थोड़ा अलग होता है। ठीक है गाइस, अब हम इसकी मेजरमेंट दे देंगे। ये हमने लिया था आर बराबर 0.5 आर, ये रेडियस थी हमारी, इसके बीच जो एंगल था ये हमारा था 120 डिग्री। ठीक है गाइस, यहाँ से यहाँ हमारा एंगल था, यहाँ से यहाँ हमारी थी रेडियस आर, और जो हमने यहाँ से लिया था और यहाँ से लिया था ये हम शो कर देंगे 3 आर, यहाँ पर भी शो कर देंगे 3 आर। इस तरीके से ये ड्राइंग हमारी कंप्लीट हुई। इसमें बीच में हम यहाँ पे ये वाली हैचिंग भी भर सकते हैं मोटार की। इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ, और इसके साथ साथ जो हमारी बीच की सैलरी है यहाँ पे भी आपको हल्की हैचिंग देनी पड़ेगी सैलरी के लिए। सैलरी एक तरीके का सीमेंट का घोल होता है जिसको हम इसके जॉइंट में, इन दोनों जॉइंटों को पक्का करने के लिए देते हैं।
इस तरीके से हमारा एग शेप कंप्लीट होता है। इसमें हम थोड़ी डिटेलिंग कर देंगे। ये जो हमारे बाहर का है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास रेडियल मोल्डेड क्रीक, फर्स्ट क्लास रेडियल मोल्डेड ब्रिक 1:4। फिर ये जो अंदर वाला है जिसको हमने कहा था कि हम इसमें सिलरी डालेंगे, इसको बोलते हैं हम सीमेंट मोर्टार जॉइंट, सीमेंट मोर्टार जॉइंट 1:4 हमने अपनी तरफ से रखा है। फिर ये जो हमारे अंदर की तरफ ब्रिक है इसको हम बोलेंगे इनर, इसको बोलेंगे हम इनर रिंग, इनर रिंग, इसको हम आउटर रिंग भी कह सकते हैं, आउटर रिंग, जिसको हम लिखेंगे इनर रिंग फर्स्ट क्लास ब्रिक पर, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क 1:4। ये भी ठीक है गाइस। और यहाँ पे हम लिख देंगे ये है हमारा इनवर्ट ब्लॉक, इनवर्ट ब्लॉक, और इसका रेशियो हम लिख देंगे 1, 2, 4। अब यहाँ पे लिख देंगे हम सीमेंट कंक्रीट, वन रेशियो 4:8। अब इसका बेस हम यहाँ पे खुद नाप के, अब इसका बेस हम यहाँ पे नापेंगे, ये हमारा 10 आ रहा है तो इसको हम लिखेंगे 1000। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमने 10 का बनाया होगा जब यहाँ पे क्या होगा 1000, क्योंकि जब 1000 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10, तो हमें लिखना यहाँ पे 1000 पड़ेगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे 1000 लिखा, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी हम नाप लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट है 800, तो यहाँ पे हम खुद से लिख लेंगे ये है हमारी 800। इसकी मेजरमेंट कोई फिक्स नहीं होती, अपने हिसाब से जो मेजरमेंट रखेंगे वो यहाँ पे आएगी। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है एग शेप सीवर, एग शेप सीवर, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमारा एग शेप सीवर कंप्लीट होता है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।